आज हमारे साथ माँ लक्की सिनेमा कॉम्प्लेक्स के ओनर जुड़ने वाले हैं। आपको बताना चाहता हूँ दी केरला स्टोरी पूरे हिंदुस्तान में भी और विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ में माँ लक्की सिनेमा कॉम्प्लेक्स के ओनर जुड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? पहले जी विकास नाम हुआ मेरा। कैसे फिल्म को सपोर्ट करना चाहते हैं? सर पिक्चर तो ये हमारे थिएटर में तो 6 तारीख को ही लगी है, 5 को रिलीज हुई, 6 को पूरा आपका इंडिया में टोटल जाना मतलब मल्टीप्लेक्स छोड़ के सिनीप्लेक्स जितनी बनी है सबके यहाँ 6 तारीख को पिक्चर बनी है। सर ये फिल्म काफ़ी लोगों की पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, ऐसा ब्रेंड वॉश किया जा रहा है सर लड़के लोगों को, कैसे आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस मूवी के माध्यम से? सर पिक्चर तो ये वाकई में लड़की लोगों को तो देखना ही चाहिए, ये एक तरह की आप देख लीजिएगा तो पिक्चर में हमें मैंने भी पिक्चर को देखा, पिक्चर में मुझे ये देखने में लगा है कि लड़की लोग को कैसे माइंड वॉश करके धर्म परिवर्तन किया जाता है और कैसे उसके जान में फंस के एक टेररिस्ट रूप दिया जाता है केरला में, और केरला से जरूरी नहीं है, केरला में हर स्टेट में इस तरह की घटना होती ही आ रही है और हो भी रही है। जी आपके द्वारा लड़कियों लोग के लिए क्या छूट मिल सकती है? जी मैंने आज हमारे जितने भाई हैं, हमारे ओनर जो हैं मेरे घर के जितने ओनर हैं मल्टीप्लेक्स के, मैंने डिस्कस किया आज मॉर्निंग में ही कि इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू जिला में जितने भी लड़कियां कोचिंग सेंटर स्कूल कॉलेज और भी सारे यानी कि स्टूडेंट गर्ल्स और उसके माँ बाप पेरेंट्स को भी मैं सपोर्ट करता हूँ। इस पिक्चर में मैं 50% टिकट कर रहे हैं, ओनली फॉर 50% टिकट रेट लगेगी, 100% में 50%, और ये पिक्चर को मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने तरफ से जितना इसको गर्ल्स को और फैमिली को दिखाना चाहता हूँ ये पिक्चर को देखे, गर्ल्स लोग को ज़्यादा करके देखना चाहिए पिक्चर को, समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लड़कियों लोग को तो कोशिश करना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। और जिसका मैंने टाइम शुरू ये रखा है सुबह 11 बजे से जो हमारी नून पिक्चर चलती है 11 से 2 और 2 से 5, ये दो टाइम मैंने फिक्स किया है कि ये लड़की लोग अपना ये पिक्चर आए और 50% ऑफ में ये पिक्चर देख सकते हैं। टिकट रेट जो हमारा एक टिकट रेट 100 रुपीज़ की, 150 रुपीज़ का, तो जिसमें वो 150 को वो देख सकती है तो वो उनको जो 50% लगेगा वो 75 रुपीज़ लगेगी और 100 रुपीज़ में वो 50 रुपीज़ लगेगी। आप हमारे साथ में अभी हमारे ओनर सिनेमा कॉम्प्लेक्स के थे कि अगर लड़कियां इच्छुक है इस मूवी को देखने के लिए और उनके पास पैसे भी नहीं है तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं सर? सर पैसे नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा जी, ये तो सर हमारे जो जम्मू जिला है वो थोड़ा सा गरीबी क्षेत्र है, इसलिए आपसे जी गरीबी क्षेत्र है, कोशिश करूंगा मैं जहां तक हो वहां पे मैं हेल्प करूंगा पिक्चर पे जी, मैं जरूर दिखाने के लिए कोशिश हूँ। ये थिएटर मैंने सर इसी पर्पज से बनाया है कि हमारे जितने भी जम्मू जिला के मान लीजिए जितने पब्लिक है, दर्शक है, लड़कियां हैं, हम लोग भी खुद देवघर जाके पिक्चर देखते थे जी, 5 साल थिएटर बंद होने के बाद मैं देवघर जाके पिक्चर देखा हूँ और सीखा भी हूँ कि बिजनेस और ये थिएटर को कैसे बनाया जाए, कैसे मैनेज किया जी, कैसे और मैनेज किया जाए। ये मेरा थिएटर 97 से ही है, मेरे पिताजी लोग ने, मेरे पापा है, मेरे अंकल है, सब मिलकर इसे आगे तक लेके आए हैं। 19 के बाद पिक्चर का रिव्यू थोड़ा सा गिर गया था और कोरोना काल भी आ गया था जी। तो उस समय मैंने थोड़ा सा थिएटर को बंद कर दिया, फिर मैंने देखा कि पब्लिक का डिमांड बढ़ रहा है, थोड़ा सा यूनिक रूप में देखना चाहते थे, ये रेनोवेट करना चाह रहे थे, एसी लगाना है, बहुत तरह के है, पब्लिक अब ये देख रहे हैं कि पब्लिक इच्छुक है पैसा देने के लिए भी और देखने के लिए भी, जो बाहर जाके वो 1000 रुपया में पिक्चर देख के आते थे, मैं भी जाता था तो मैक्सिमम 600-700 रुपया लग जाता था देवघर से मैं पिक्चर आके देखने में, यहाँ मैक्सिमम मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा ये पिक्चर का रेट टिकट का रेट और गिराने का कोशिश करूंगा कि पब्लिक को आराम लगे आने में और देखने में जी। लड़के लोग के लिए और कोचिंग संस्था के लिए मेरे द्वारा मैसेज है सभी स्कूल खासकर 9, 10, 11 कोचिंग, जितने भी कोचिंग संस्था हमारे जम्मू जिले के अंदर, जितने भी स्कूल है हमारे जम्मू जिले के अंदर, मैं उन सभी टीचरों से, उन सभी प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को ये पिक्चर देखने के लिए प्रेरित करें। और इसके लिए मैं विशेष सुविधा दिया हूँ 200 का, 200 में 50% ऑफ में हमारी माँ लक्की पिक्चर प्ले झाझा में ये दिखाया जाएगा विशेषकर लड़कियों के लिए। ये सबसे बड़ा ऑफर है कॉम्प्लेक्स के लिए? ऑफर नहीं है, एक समाज के प्रति जागरूकता भी है
और हमारे देश में जो ये अभी हाल चल रही है आईएसआई के द्वारा, तो इसको हमारे हर वर्ग के लड़के लोग को, लड़कियों लोग को देखना चाहिए, हमारे हर वर्ग के लड़के लोग को और लड़के लोग को देखना चाहिए। और इसमें एक विशेष मैसेज पेरेंट्स के लिए भी जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि वो अपने रिलीजियन को अपने बच्चों के पास लेके जाए, हमारा धर्म क्या है, हमारा हम कैसे रहते हैं, हमारे हमारा कल्चर क्या है, ये विशेषकर अपने बच्चों को सिखाए। कंप्यूटर के अलावा भी एक घंटा धर्म की, अपने रिलीजियस के, अपने कल्चर की ज्ञान अपने बच्चों को तक पहुंचाए।